भाजपा का डैमेज कंट्रोल, कांग्रेस हो गई फेल, बैकफुट पर पंचू और पन्ना अब नहीं लड़ेंगे चुनाव। नमस्कार, मैं हूं अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। बागियों को साधने में भाजपा का डैमेज कंट्रोल सफल हो गया, कांग्रेस इस मामले में फेल हो गई। रीवा में उठे विरोध के सुर ठंडे पड़ गए। त्योंथर के बाद अब मनगवा से विधायक रहे पंचू लाल और पन्ना बाई ने भी हाथ पीछे खींच लिए हैं, बैकफुट पर आ गए हैं, अब वह चुनाव नहीं लड़ रहे। पंचू लाल ने पत्नी पन्नाबाई के नाम से नामांकन भरवाया था, अब वापस ले लिए हैं। इस मामले में कांग्रेस ने कोशिश नहीं की, वरना सिद्धार्थ बागी नहीं होते। ज्ञात हो कि इस मर्तबा विधानसभा चुनाव में टिकट वितरण के बाद पूरे प्रदेश में पार्टियों को विरोध का सामना करना पड़ा। छोटी से लेकर बड़ी पार्टियां अपनों से ही परेशान हुई, कई बागी तैयार हुए। पार्टियों को इन बागियों को साधने में पसीना बहाना पड़ रहा है, अब मतदान सिर पर है। ऐसे में यदि यह बागी नहीं माने तो पार्टी के वोट बैंक को नुकसान पहुंचाएंगे। यही वजह है कि पार्टियां प्रचार प्रसार से ज्यादा इन्हें साधने और मान मनोबल में लगी हैं। राष्ट्रीय स्तर के नेता इस काम में जुटे हैं, अलग से बैठकें ले रहे हैं, क्षेत्रों का भ्रमण कर रहे हैं। डैमेज कंट्रोल का हालांकि असर दिख रहा है, भाजपा के कई बागियों को साधने में भाजपा सफल हुई है। पार्टी के खिलाफ ही चुनाव लड़ने वालों ने अपने धीरे धीरे सरेंडर करना शुरू कर दिया है। रीवा में भी हालात बिगड़े हुए थे। भाजपा तो डैमेज कंट्रोल समय पर कर ली, लेकिन कांग्रेस और सपा को समय लग गया। इसका खामियाजा कईयों को गवा कर उठाना पड़ा। अब जो बच गए हैं उन्हें कांग्रेस पार्टी पदाधिकारी बनाकर मैनेज किया जा रहा है। पार्टी की कोशिश ने काफी हद तक स्थितियां सामान्य कर दी हैं। भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता आधारित संगठन है। यहाँ हम परिवार भाव के साथ पार्टी में काम करते हैं। परिवार जब बड़ा होता है, छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, पर जब चुनाव का समय आता है, कोई भी समय आता है जहां हम सबको एक होके लड़ने की आवश्यकता होती है, हम लड़ते हैं और मिल बैठ कर चर्चा करते हैं। आप हमको लगता है हमारी पूर्व विधायक पन्ना भाई प्रजापति जी के बारे में कहना चाह रहे हैं। हमारे पंचूलाल प्रजापति जी अभी वर्तमान में पार्टी के विधायक हैं, तीन तीन बार विधायक रहे हैं। पन्ना भाई जी भी विधायक रही हैं और वह पिछले 40 साल से पार्टी की सेवा कर रहे हैं। टिकट कटने में स्वाभाविक रूप से थोड़ा बहुत मन में लगता है, उनमें लगा होगा, उन्होंने फॉर्म भरा था, पर हम सब ने बैठकर चर्चा की और उन्हें पूरे कि मैं पार्टी के खिलाफ कभी भी चुनाव नहीं लड़ सकती और जो भी प्रत्याशी उसे हम सब मिलकर जिताएंगे। आज वर्तमान प्रत्याशी ने निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी एक संस्कारिक संगठन है और जो वर्तमान प्रत्याशी हैं वह युवा हैं और अपने बुजुर्ग का आशीर्वाद लिया है। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी में हम सब कार्यकर्ता अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हैं, उन्होंने भी लिया है। द खबरदार न्यूज से विजय तिवारी की रिपोर्ट। अब तक लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।